बड़ी खबर आ रही है, फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जफर याब जिलानी का यह बयान सामने आया, सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को वो चुनौती देंगे। जफर याब जिलानी ने फैसले को बताया गलत। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक हैं जफर याब जिलानी। तो आज का जो फैसला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का लखनऊ से सामने आया है, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएंगे। दर्जनों लोगों ने कहे, मीडिया के दर्जनों लोगों ने और आईपीएस अफसरान ने कि बाबरी मस्जिद तोड़ दो, एक धक्का और दो, इसी तरीके के बहुत से जुमले और बार बार वे लोग भड़का रहे थे, ये सब के बयान में आया। उसके बाद भी कोर्ट कहता है कि एविडेंस नहीं, जबकि दो गवाह काफ़ी होते हैं किस मर्डर के आदमी को भी सज़ा देने के लिए, और यहाँ तो दर्जनों गवाह हैं और सब इंडिपेंडेंट हैं। ये आईपीएस ऑफिसर्स जो आईजी रैंक पे पोस्टेड हैं या जो कमांडेंट सीआरपीएफ होकर रिटायर हुए हैं, ये लोग क्या हम कोई पार्टीजन है, क्या कोई मुसलमानों हैं के पक्षधर है? इनकी गवाही किस बुनियाद पे कोर्ट ने रिजेक्ट की, तो जजमेंट पढ़ने से पता चलेगा, कैसे रिजेक्ट कर सकते थे।